अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिज़वी किचन। एंड रिज़वी किचन में आज हम बनाएंगे अनदर इजी एंड टेस्टी रेसिपी, दैट इज लौकी बर्फी। रिज़वी किचन हमेशा ट्राई करता है कि कुछ ऐसी रेसिपीज बनाए जो इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से घर पर ही हम बना सकें। So don't forget to like, share and subscribe my channel and also press the bell icon for these amazing and quick recipes. लौकी बर्फी, yes, देखने में जितनी yummy है, believe me, खाने में भी उतनी ही tasty. As COVID-19 is all over around us, so better to avoid outside food and sweets और घर में ही ये recipes बनाएं। इसके लिए मैंने लौकी ली है एक मीडियम साइज, इसे पील करके सीड्स निकाल दी हैं और इसे हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद जो भी इसका एक्स्ट्रा वाटर है उसे हम स्क्वीज कर लेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। एंड नाउ टेक अ पैन और कढ़ाई, ऐड करेंगे 2 टीस्पून। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगी, बिलीव मी, वो आपके घर पर ही अवेलेबल है। आपको कोई भी स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेटेड लौकी, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो बचा हुआ वाटर है वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। कलरफुल रेसिपी है, देखने में ही बहुत ही खूबसूरत लग रही है। नाउ देखिए, इसे हम कवर करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि लौकी भी अच्छे से कुक हो जाए एंड एक्स्ट्रा वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाए। साथ ही एक पैन में ऐड करेंगे 1/2 लीटर मिल्क, क्योंकि बर्फी में ऐड करने के लिए एक क्विक सी रबड़ी बनाएंगे। इस मिल्क को हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे 1/2 क्वांटिटी रिड्यूस होने तक। देखिए, लौकी भी हमारी 5 मिनट ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। नाउ ऐड करेंगे शुगर। शुगर की क्वांटिटी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं, आप कम मीठा। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून शुगर ऐड। शुगर के साथ भी देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे एंड अगेन 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। एंड दूसरी साइड मिल्क रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है, इसे बीच बीच में स्टर करते रहेंगे, साइड से स्क्रैप करेंगे। एक बार चेक करते हैं, शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई। यस, अगेन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे और कुक करेंगे। नाउ रबड़ी को थिक करने के लिए हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून सूजी। इसे रबड़ी थिक तो हो ही जाएगी, बट साथ ही में एक बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा आपकी बर्फी में एंड बर्फी को बाइंडिंग मिलेगी। अदरवाइज यू कैन यूज़ खोया अगर ईजिली अवेलेबल है, बट क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें दिखाना चाह रही हूँ कि आप घर में ही अवेलेबल चीज़ों से किस तरीके से इसे बना सकते हैं। देखें, इसे हम चलाते रहेंगे ताकि लम्स ना आए, इस तरीके से ठीक हो गई है ये। अब हम इसे ऐड करेंगे अपनी बर्फ। देखने में ही बहुत यम्मी लग रही है एंड क्विक सी रबड़ी भी हमने बहुत इजीली बना ली है। इसे हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मिक्स करते रहेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और लम्स भी ना हो। इस तरीके से हम इसे मिक्स करते रहेंगे एंड 3 से 4 मिनट में ही ये इस तरीके से बन जाए। नाउ ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट्स हैं, आमंड्स हैं, सनफ्लावर एंड पम्पकिन सीड्स एंड पिस्ता। ये
ड्राई फ्रूट्स मेरे पास अवेलेबल थे, आप जो भी अवेलेबिलिटी हो ड्राई फ्रूट्स की आप ऐड कर सकते हैं। इसे हम एक मिनट के लिए और कुक करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट डन। नाउ एक प्लेट घी से ग्रीस करेंगे एंड ये मिक्सचर प्लेट पर ऐड करेंगे। अच्छे से टैप करेंगे ताकि ये इक्वली डिवाइड हो जाए, क्योंकि हमें इसे बर्फी की तरह पीसेस में कट करना है। अच्छे से टैप करेंगे एंड नाउ ऐड करेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स थोड़े से बचा के रखे थे उसे हम इसे गार्निश करेंगे। तो थी ना बहुत इजी रेसिपी। आप आराम से इवन किसी भी टाइम पे जब भी स्वीट्स की क्रेविंग हो आप फ्रिज खोलें। लौकी आई होप इजीली अवेलेबल रहती है सभी के पास और आप फटाफट से इसे बना सकते हैं। कोई भी स्पेशल इंग्रेडिएंट मैंने नहीं यूज किया है। देखें एंड देखने में भी कोई नहीं कह सकता कि ये लौकी की बर्फी है। इसे हम सेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे हाफ एन आवर, तो ये सेट हो जाएगी। एंड नाउ हम इसके पीसेस कट करें। देखिए कितना स्मूथली कट हो रहे हैं पीसेस। आप अपने हिसाब से पीसेस कट कर सकते हैं, बड़े पीसेस चाहिए छोटे पीसेस चाहिए आप डिसाइड कर सकते हो। सो ट्राई करें ये येट अनदर सिंपल एंड क्विक एंड टेस्टी रेसिपी। एंड ऑल्सो कॉमेंट कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। सो माइंड लॉकी बर्फी यू ऑल्सो ट्राई एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।